अब अभी असली खेला बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके असली खेला बाकी है सर, अभी खेला हो गए वो तो हुआ लेकिन असली खेला बाकी है। आरबी उपाध्याय जी, एके मिश्रा जी ने जो विश्लेषण किया है बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है ना, एक चुनाव के प्रति, खास करके राजनीति में चुनाव के प्रति और मतदान के प्रति इतने सर, ये विश्लेषण आप लोगों को करना चाहिए था, अपनी पार्टी के जो आपके विशेषज्ञ बैठे हैं। ये माइक्रो लेवल के विश्लेषण मैं भाजपा के या कांग्रेस के या टीएमसी के प्रवक्ताओं से उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं उसी विषय पर अभी आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल उसी विषय पर आ रहा हूँ। सुनील जी, थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस यहाँ हम लोगों को करनी चाहिए। नॉकआउट बाहर हो गए, पैर में चोट लग गई जी, पैर में चोट लग गई। पहले राउंड में ही जो नेता जो है घोड़े से गिर गया, पैर में चोट लग गई, तो आगे का युद्ध क्या लड़ेगा वो, आप मुझे बताइए ना। ये एक साइकोलॉजिकल, देखिए चोट वोट वाली जो बात है, भगवान करे किसी को ना लगे, लेकिन पब्लिक सब समझती है कि किस तरीके से अब वो सहानुभूति नहीं हो पाई तो दो दिन में ठीक भी हो गया। ये सारी चीजें, पब्लिक बहुत एजुकेटेड हो गई है, साक्षरता दर सब जगह 70-80% से ज्यादा है। ठीक, मैं सारे पार्टियों के लिए बोलता हूँ, देखिए एनालिसिस जो होती है ना वो दो तीन पैरामीटर पे होनी चाहिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कुछ लेटेंट डायनामिक्स को। किसी भी डिबेट में या कहीं पे भी बाइट देखिए, अगर ये पूछा जाए कि 10 रीजन बताइए क्यों बीजेपी जीतेगी या टीएमसी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या कोई और पार्टी जीतेगी, 10 लॉजिकल रीजन कोई भी पार्टी का बड़े से बड़े प्रवक्ता नहीं बता पाएगा, एक्सेप्ट इन लोगों की लाइन ये होती है बदलाव की हवा चल रही है जी, हम जीतेंगे, जनता ने उनको, मतलब इरेशनल टाइप की बातें। और राजनीतिक विश्लेषक विशेष टिप्पणी के लिए और तमाम सारी चीजों पर बारीकी से नजर डालने के लिए एके मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं एके मिश्रा जी के पास जाऊंगा। एके मिश्रा जी, देखिए सुनील, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह वोटिंग को लेकर, ये आपने अच्छा किया जो ये पॉइंट उठा दिया कि महिलाओं का वहाँ पे उत्साह कुछ ज्यादा है और वो ज्यादा उनका जो है परसेंटेज वोटिंग आ रहा है। फाइनल क्या होगा वो देखेंगे। देखिए ये भी एक बहुत साइंटिफिक एनालिसिस है, वोटिंग साइकोलॉजी या वोटिंग बिहेवियर या पॉलिटिकल बिहेवियर आप समझिए, मेल और फीमेल का अलग से समझा जाता है, ये नॉर्मल डिबेट की बातें नहीं है। देखिए बंगाल की महिलाओं, एक टर्मिनोलॉजी होती है हेडोनिज्म, हेडोनिज्म का मतलब ये होता है, और पर्टिकुलरली मैं महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, देश में जितने भी प्रदेश हैं उसमें बंगाल की महिलाओं के अंदर हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त पाया जाता है। कहने का मतलब सेल्फ रिलायंस, अपने डिसीजन वो खुद करेंगी और अपने डिसीजन को वो बदलती नहीं है, यानी महिला प्रधान एक तरीके से सोसाइटी होती है। हो सकता है हस्बैंड कितना भी प्रेशर डाले या घर में कोई और डाले, लेकिन वो रूल करती है, वो अपने डिसीजन जो ले लेती है उसको बदलती नहीं है जी। यही एक रीजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की महिलाएं, चाहे कोई अनपढ़ हो, पढ़ाई लिखाई न की हो, चाहे कोई हाईली एजुकेटेड हो, लेकिन ये वहां की सोसाइटी में कल्चर है। दुर्गा पूजा वहां का मेन है, महिला प्रधान सोसाइटी आप बोल सकते हैं, चाहे दुर्गा पूजा से आप शुरू करिए, और घर में भी वही महत्व है, पूजनीय महत्व है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा महिलाएं निकल रही हैं, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, ममता दीदी के जितने भी फैन होने चाहिए महिलाएं, वो तो पिछले 10 सालों में उनके साथ हैं ही, वो अभी भी हैं, लेकिन ये जो महिलाएं एडिशनल निकल रही हैं, ये क्यों निकल रही हैं, ये अगर पिछली बार ममता दीदी के साथ नहीं थी, अगर न्यूट्रल थी, ये घर में चूल्हा चौका कर रही थी या फैमिली संभाल रही थी, तो अब की बार तो ऐसा कोई मैजिकल रीजन है नहीं जो कि ये ममता दीदी के फेवर में निकले। ये क्यों फेवर में निकल रही है, देखिए भारतीय राजनीति बड़ा इमोशनल चीज है, मैं आपको बताऊं, और भारत एक धर्म प्रधान देश है, धर्म की भी बात हुई थी, 200 साल 1000 साल अगर हम लड़ते रहे और हमारा वर्चस्व कायम रहा तो उसके पीछे केवल एक रीजन था, धर्म, केवल धर्म था, चाहे मुगलों का अटैक रहा हो, चाहे अंग्रेजों का, चाहे किसी का रहा हो, वो एक भावना हमेशा कहीं ना कहीं बनी रही। ये चीज बंगाल में भी है, बात जब महिलाओं के मेरी डायरेक्ट कई लोगों से वहां पे बातचीत या लोग फोन करते हैं, सर आपको क्या लग रहा है, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, उनका ये कहना है कि वाकई में अगर छेड़खानी की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, ममता दीदी शायद उस लेवल की सुरक्षा नहीं दे पाई जो महिलाओं के लिए एक्सपेक्टेड है वहां पे, शायद इसीलिए ये एडिशनल महिला है। मैं बोलता हूँ विकास वगैरह की बात आप छोड़ दीजिए, भारतीय राजनीति में विकास भी कई बार पीछे छूट जाता है, और इमोशनल मुद्दों पर, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों पर, धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को लोग बहुत अहमियत दे देते हैं। जो अब सोनार बंगला, अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखें, ये अपने आप में बहुत ही टचिंग कॉन्सेप्ट है, सोनार बंगला, हर बंगाली अपने बंगाल को सोने के समान बोलता है। ये शायद ममता दीदी, इनफैक्ट चाहिए तो ये था कि ममता दीदी को ये कॉन्सेप्ट उठाना चाहिए था, लेकिन वो चुप कर गई यहां पे, ये बीजेपी ने ये चीज उठाया। केवल सोनार बंगला, अमार बंगला, सोनार बंगला, ये दो शब्द बोल दीजिए,
ये सारी मतलब खुशहाली को, सारे विकास को अपने आप में समाहित कर लेता है। आपको अपना मैंडेट या आपको अपना मैनिफेस्टो या 50 लाइन 50 पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक लाइन बोल दीजिए कि हम जीतेंगे तो सोनार बंगला बनाएंगे। हर बंगाली समझ जाता है कि सोनार बंगला का क्या मतलब होता है और अगर सोनार बंगला बन गया तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसके कारण मुझे लगता है परिवर्तन होगा। ठीक है, ममता दीदी फाइट बहुत देंगी, उससे फर्क ये पड़ेगा कि जीत का मार्जिन कम हो जाएगा, कहीं 500 सीटों से बीजेपी जीतेगी, कहीं 2000 से। ठीक है, आर के मिश्रा जी आवाज मिल रही है आपको? आर के मिश्रा जी आवाज मिल पा रही है? मिश्रा जी ने जो आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज जी। एके मिश्रा जी ने जो विश्लेषण किया है बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है ना, एक चुनाव के प्रति, खास करके राजनीति में चुनाव के प्रति और मतदान के प्रति इतने सर, ये विश्लेषण आप लोगों को करना चाहिए था, अपनी पार्टी के जो आपके विशेषज्ञ बैठे हैं। ये माइक्रो लेवल के विश्लेषण मैं भाजपा के या कांग्रेस के या टीएमसी के प्रवक्ताओं से उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं उसी विषय पर अभी आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल उसी विषय पर आ रहा हूँ। चर्चा की शुरुआत एके मिश्रा जी आप ही से करूंगा। रिकॉर्ड तोड़ मतदान पहले राउंड का, मायने क्या निकाले जाए? देखिए इसके मायने बहुत स्पष्ट हैं। अगर आप कुछ साल पहले से आप देखिए, जिस हिसाब से कि जहां पे बीजेपी का वहां पे कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और जिस हिसाब से समर्थन इनको मिलता चला गया, भीड़ इनके फेवर में आती चली गई। ममता दीदी का पिछला इलेक्शन आप देखिए तो जो कैंपेन उन्होंने दिया था माँ माटी और मानुष का, उसका असर दिखा था। यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी भी एक है और दूसरी चीज ये देखा जाए कि ममता दीदी का ऐसा कोई मैजिकल फैक्टर नहीं है जिसके कारण, या ऐसा कुछ न्यू या इनोवेटिव चीज नहीं है जिसके कारण ये देखा जाए कि क्राउड बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के उसके फेवर में आए। ऐसा कोई मैजिक पॉइंट उन्होंने नहीं दिया, चाहे वो विकास की बात हो चाहे किसी भी चीज की बात हो। और सिंपैथी भी अगर देखा जाए, पैर में चोट लगने के बाद भी वो उस तरीके से गेन नहीं कर पाई है। तो मुझे ये लगता है कि मुकाबला वाकई में बड़े टक्कर का है, लेकिन जो बैलेंस होगा वो कहीं ना कहीं जो है तराजू का पड़ला चाहे हल्का सा ही झुके, वो बीजेपी की तरफ जो है मुझे झुकता हुआ दिख रहा है। इसी के कारण जो थोड़े बहुत आप देख रहे हैं कि पिछली जो वोटिंग हुई थी, परसेंटेज हुआ था, वो उसको क्रॉस कर रहा है, उसके पीछे ये रीजन है कि कुछ न कुछ ऐसा इनोवेटिव या नया वहां की जनता चाहती है जो कि होना चाहिए। अब 10 साल लगातार काम करने के बाद ममता दीदी तो कुछ भी इनोवेटिव या नया अपने एजेंडे में दे नहीं पाई है, या जिसका उसको समर्थन मिला हो। उनको डिफेंसिव ही रहना है, अपने बचाने की ही बात वो कर रही है और वही उनका मुद्दा है कि कैसे भी करके सरकार बचे। वो हमलावर नहीं हो पा रही है, एग्रेसिव तो बीजेपी हुई है। ये इशारा बदलाव की ओर है? नहीं, डेफिनेटली ये बदलाव की ओर है। देखिए अगर बदलाव नहीं होता, मैं अगर ये मान लीजिए जनता उदासीन होती, ममता दीदी से भी अगर उदासीन होती, बीजेपी से भी उदासीन होती, यानी राजनीति से ही उदासीन होती, एक स्टेज ऐसी आती है जब जनता उदासीन हो जाती है, कुछ होना नहीं है तो क्या जाए, तो वोट परसेंटेज वहां काफी डाउन चला जाता है। अगर पिछले वोट परसेंटेज को हम एक मापदंड माने, एक पैमाना माने, तो उस उतना होना या उससे ज्यादा होना तो डेफिनेटली एक जोश की तरफ इंडिकेट करता है। नयापन जनता के दिमाग में है, जनता के दिमाग में आशाएं हैं, कुछ नया नई उम्मीदें हैं वहां पे। और नई उम्मीदें कौन देगा? जो नई पार्टी होंगी, जो वहां पे नए प्रतिद्वंदी होंगे, नए खिलाड़ी होंगे, वही देंगे। तो ममता दीदी तो पुरानी खिलाड़ी हैं, वहीं से बचपन से ही राजनीति उन्होंने शुरू से वहीं पे की है, तो उनके पास कुछ ऐसा नयापन नहीं है। ये जो बदलाव या जो बढ़ोतरी आपको दिख रही है पोलिंग में, वो डेफिनेटली कुछ नएपन के लिए है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये बदलाव हमारी ओर हो रहा है, इसलिए बंपर वोटिंग है। सुमित मल्होत्रा कह रहे हैं ना, विकास के लिए वोट हुआ है ये, इसीलिए मुद्दे भी गायब थे, बोले मंच से। हालांकि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन चूंकि मुद्दा विहीन था ये चुनाव, जनता के मुद्दे नहीं थे, यहाँ अलग अलग तरीके के मुद्दे चल रहे थे। और कांग्रेस कह रही है कि लेफ्ट के साथ मिलकर हमारी सरकार बन रही है। सुनील जी, थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस यहाँ हम लोगों को करनी चाहिए। मैं अपने सभी मित्रों को बधाई देता हूँ अभी से एडवांस में कि आप लोग विजयी हुए, हमारा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिफिक एनालिसिस देखिए है क्या, पॉलिटिक्स अपने आप में ना एक इतना, इसकी डायनामिक्स इतनी तेज है ना, सिचुएशन इतनी तेजी से बदलते हैं और बहुत सारे फैक्टर और डायनामिक्स ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जिसको बड़े बड़े विशेषज्ञ या नेता भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब हम अपने जो टीएमसी के मित्र हैं, हम उन्हीं के हिसाब से बात करते हैं। साहब आप विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो टाटा को भगा के आपने विकास किया था,
सिंगूर में जो वो लगाने के लिए गए थे। अरे सर सुनिए सर, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई, अपने बात को बोले भाई। एक मिश्रा कोई पार्टी से थोड़ी नहीं है, सुनिए कि वो एक राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखिए थोड़ी। अच्छा दूसरी चीज देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि विकास के मुद्दे पे मेरे अपने नजरों में कोई भी पार्टी 100% खड़ी नहीं उतरती है, इंक्लूडिंग बीजेपी पक्ष, विपक्ष पिछले 70 सालों से। अच्छा दूसरी चीज रही बात अगर ममता दीदी विकास की या टीएमसी विकास की बात करती है, तो मैं ये बोलूंगा, और टीएमसी के पहले जिन लोगों का शासन था, बगल में बांग्लादेश है, वो गारमेंट एक्सपोर्ट में नंबर वन कंट्री बन गया है दुनिया में, लगभग जितने रेडीमेड गारमेंट जाते हैं सब वहां से होते हैं, वही जेनेटिक मटेरियल बंगालियों का हमारे देश का है, उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं इस तरफ के जो बंगाली हैं। जूट मिल वगैरह सब खत्म हो गए, कॉटन जो वहां का था, कलकत्ता अपने आप में पहला एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था, बड़ा मॉडर्न था कलकत्ता, आज से नहीं सैकड़ों साल गुलामी के टाइम पे इतना मॉडर्न कलकत्ता था, आप सोचिए मत, पिछले 70 सालों की आप वो देख लीजिए कौन सा विकास हुआ साहब, कितनी बाटा कंपनी का हेड ऑफिस वहां पे था वो आ गई यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में आ गई, डाबर का हेड ऑफिस वहां था वो दिल्ली एनसीआर में। मैं बीजेपी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंकि मेरा वो फील्ड है, मैंने एमबीए की पढ़ाई की है, एमएनसीज में काम किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप रोजगार के मुद्दे पे ले लीजिए, प्रोडक्टिविटी के मुद्दे, सेम बांग्लादेश लगभग छोटा या बड़ा या बराबर होगा जितना बंगाल है, वहां की जीडीपी और बंगाल की जीडीपी देख लीजिए पिछले 70 सालों में क्या हुई। आप कोई एक ऐसा चीज मुझे बता दीजिए जिसमें कि आप आगे रहे हो, आप आगे एक चीज में रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब वो टॉपिक आएगा डिबेट का, तो मैं बताऊंगा कि ममता दीदी ने और उसके पहले वहां पे किस चीज पे ये लोग आगे, सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी, दुकानें बंद करा दिया इन लोगों ने, अरे विकास, ये विकास निगेटिव विकास नहीं होता है सर, फैक्ट्रियां बंद, टाटा जैसे महापुरुष को तो मैं तो सोचता हूं वो कहीं पे भी जाए उनकी तो चरण वंदना की जानी चाहिए, उनकी देशभक्ति उनके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, और किस तरीके से ममता दीदी ने पद मार्च करके खेत में उनको भगाया था और नारा लगाया था, अपने देश के उद्योगपतियों को आप हतोत्साहित करेंगे, तोलेबाजी करेंगे, उनसे कट मनी मांगेंगे और फिर बोलेंगे कि हम दुनिया में नंबर वन बन जाए, उद्योगपतियों से क्या वैर है भाई आप लोगों का, चाहे वो एक छोटा दुकान वाला हो चाहे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, क्यों नहीं उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है आरवी उपाध्याय जी, कार्रवाई होगी। एके मिश्रा जी, जमीन से लड़ा जाता है, एके मिश्रा जी बहुत मजबूत है। मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच फाइट है, और संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बन रही है लेफ्ट और कांग्रेस की, ये कांग्रेस और ये कहां है आपके एनालिसिस में? सुनील जी देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे चैलेंजिंग काम इस डिबेट में और अभी भी अगर है तो वो हमारे संदीप त्रिपाठी जी का है, मैं साधुवाद देता हूँ, उनके हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो डिबेट में बैठे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं सारे पार्टियों के लिए बोलता हूँ, देखिए एनालिसिस जो होती है ना वो 2-3 पैरामीटर पे होनी चाहिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कुछ लेटेंट डायनामिक्स को। किसी भी डिबेट में या कहीं पे भी बाइट देखिए, अगर ये पूछा जाए कि 10 रीजन बताइए क्यों बीजेपी जीतेगी या टीएमसी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या कोई और पार्टी जीतेगी, 10 लॉजिकल रीजन कोई भी पार्टी का बड़े से बड़े प्रवक्ता नहीं बता पाएगा, एक्सेप्ट इन लोगों की लाइन ये होती है बदलाव की हवा चल रही है जी, हम जीतेंगे, जनता ने उनको, मतलब इरेशनल टाइप की बातें। सुनिए त्रिपाठी जी सुन लीजिए, मैंने सबसे बहादुर आपको ही बोला है, चुनाव हार जीत दूसरी चीज है, लेकिन सबसे जो है चैलेंजिंग काम अगर कोई कर रहा है तो संदीप त्रिपाठी जी कर रहे हैं या कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता हैं। अब सवाल यह है कि अब रही बात, देखिए मैं बड़ा रेशनल कर रहा हूं, ममता दीदी का आप देखिए, मैं टीएमसी के मित्र से पूछूंगा राष्ट्रवाद या प्रांतवाद, भाई सोनार बंगला जो है मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल विकास करे, हर प्रदेश विकास करे, तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा का एक किस्सा हुआ था, उस पे ममता दीदी का क्या स्टैंड था जरा बताइए, वो बंगाल वालों के फेवर में था, देश के फेवर में था कि बांग्लादेश के फेवर में था? ममता दीदी बोल रही है कि मोदी जी वहां जाकर के वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भाई घुसपैठियों को बुला करके उनको वोटर कार्ड दे करके दामाद बनवा करके वोट आप ले तो वो सही है, और अब की बार जब शासन प्रशासन ने केंद्रीय एजेंसियों ने नकेल कसी हुई है तो आप फड़फड़ा रहे हैं, पहली चीज।
और भी बहुत सारे ऐसे लॉजिकल रीजन है। ममता दीदी कॉम्पिटिशन टफ देंगी, नो डाउट, मैं मानता हूँ कॉम्पिटिशन टफ देंगी, लेकिन ममता दीदी को भी उससे ज्यादा कॉम्पिटिशन मिल रहा है, उनको बचाना मुश्किल पड़ रहा है। अपनी पुरानी ग्लोरी ग्लैमर जो भी है, राजनीतिक ग्लैमर, उसको बचाने में उनके, देखिए पहले राउंड में ही नॉकआउट बाहर हो गए, पैर में चोट लग गई जी, पैर में चोट लग गई पहले राउंड में ही, जो नेता जो है घोड़े से गिर गया, पैर में चोट लग गई, तो आगे का युद्ध क्या लड़ेगा वो, आप मुझे बताइए ना। ये एक साइकोलॉजिकल, देखिए चोट वोट वाली जो बात है, भगवान करे किसी को ना लगे, लेकिन पब्लिक सब समझती है कि किस तरीके से अब वो सहानुभूति नहीं हो पाई तो दो दिन में ठीक भी हो गया। ये सारी चीजें, पब्लिक बहुत एजुकेटेड हो गई है, साक्षरता दर सब जगह 70-80% से ज्यादा है। ठीक, जो होना था वो हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता सर अभी असली होना बाकी है, आप मेरी बात सुनिए, परिणाम बाकी अभी तो जब परिणाम आएगा तब असली होगा, ट्रेलर है अभी, उस दिन आप गेट पर उतरा, अभी तो ट्रेलर पूरी बाकी है, असली खेला बाकी है सर। ठीक, असली खेला बाकी है, अभी असली खेला बाकी है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके असली खेला बाकी है सर, अभी खेला हो गए वो तो हुआ, लेकिन असली खेला बाकी है। आरबी उपाध्याय जी, ठीक 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 है, एक मिश्रा, एक मिश्रा, बहुत संक्षिप्त में फाइनल कमेंट आपका, ठीक है, आ गए मिश्रा जी, आपकी बात आ गई, आरबी मिश्रा आपकी बात आ गई, एक मिश्रा जी बहुत संक्षिप्त रहेगी, लेकिन जय सियाराम की, जय सियाराम की, कि भारतीय राजनीति अपने आप में बहुत ज्यादा जो है आप ये देखिए भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, एक चीज पे जाके विकास विकास के मुद्दे पीछे हट जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे बहुत आगे। दीदी ने शुरू में दो तीन बड़ी छोटी छोटी गलतियां की, जिसके परिणाम जो है इतने मुश्किल भरे हो गए कि उनको इलेक्शन को मैनेज करना या अपने फेवर में करना उनको बहुत टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, एक दो फेज की वोटिंग और हो जाने दीजिए, पिक्चर तस्वीर साफ होती चली जाएगी, और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट भी आ रहा है, तो असली खेला उस दिन होगा, देखते हैं। हालांकि